छात्र संघ चौराहा स्थित पनेशिया लाइफ हेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित पनेशिया हॉस्पिटल में डायरेक्टर पद को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी बात कही। पनेशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय कुमार पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह 2 वर्ष का अनुभव हुआ था, लेकिन उन्होंने गलत तरीका अपनाते हुए अपने आप को खुद का डायरेक्टर घोषित कर दिया, जो अनुचित है। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पनेशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर पद पर मैं काबिज हूं, लेकिन लोग जबरदस्ती इस पद से हटा रहे हैं, जो गलत है। इस मामले पर पेश है गोरखपुर न्यूज की विशेष पेशकश। आइए हम दिखाते हैं कि दोनों लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए क्या कहा। 31 मई 2016 को डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह से हॉस्पिटल चलाने के लिए एक एग्रीमेंट किया था, उस छात्र संघ चौराहे पे स्थित पनेशिया हॉस्पिटल, पनेशिया हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है उसको चलाने के लिए हमारी कंपनी का नाम पनेशिया हेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड है। उस कंपनी से डॉक्टर प्रमोद सिंह को हॉस्पिटल के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम और शर्तों के साथ एक एग्रीमेंट किया गया, अनुबंध किया गया, लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह द्वारा लगातार उस अनुबंध का पालन नहीं किया गया। हम लोग लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी उनसे उस अनुबंध के बारे में अनुपालन करने के लिए कहते रहे, लेकिन वो लगातार अपनी मनमानी करते रहे और उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे कंपनी और बोर्ड संतुष्ट हो। उन्होंने हॉस्पिटल को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली। उसके लिए हम लोगों ने बीच में कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई, उनको नोटिस भी दिया, उनसे संपर्क भी किया, उनसे बैठ के बात भी किया, लेकिन वो हमेशा अपनी ज़बरदस्ती वाली बात करते रहे और ये कहते रहे कि मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा, आप लोग कुछ नहीं है यहाँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ मत आया करिए, आप लोगों के आने से हॉस्पिटल डिस्टर्ब होता है, जबकि उस हॉस्पिटल का टोटल कंस्ट्रक्शन और सारा काम हम लोगों ने कराया था। उसके बाद से 1 मई 2016 को हमारे कंपनी के बोर्ड की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बहुमत से निर्णय लिया गया और उस निर्णय के हिसाब से हमने उनके अनुबंध को निरस्त कर दिया। चूँकि उन्होंने अनुबंध का पालन नहीं किया था, हॉस्पिटल दिन ब दिन नुकसान में जा रहा था, हॉस्पिटल के कर्जे बढ़ रहे थे, सीमेंस फाइनेंस ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया था, पालोटिया मार्केट में ढेर सारे बकाए हो गए थे, तो मजबूरन हम लोगों को वो अनुबंध निरस्त करके और हॉस्पिटल का संचालन बोर्ड के अधीन करना पड़ा। प्रमोद सिंह की अपनी एक कंपनी है होप फाइनेंस लिमिटेड, जिसका तमाम सारा लोगों का बकाया है, उन्होंने उस कंपनी का नाम हॉस्पिटल से जोड़ दिया था। इस संबंध में मैंने पेपर में एक विज्ञापन भी दिया था कि होप का पनेशिया हेल्थ जोन प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है, न उसका कोई साक्ष्य है, न उसका कोई संबंध है। प्रमोद सिंह का शहर में तमाम सारा और इशू है जिसके वजह से उनका लोगों से झगड़ा बवाल हो रहा है और वो उस झगड़े बवाल में हम लोगों का नाम डाल के अभी उन्होंने FIR कराने का एक प्रयास किया था, जो पुलिस की जांच के दौरान क्लियर हो चुका है, जिसने हमला किया था वो पकड़ा जा चुका है। आगे भी उनका ऐसा प्रयास है, वो हॉस्पिटल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसके लिए तमाम सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज के डेट में प्रमोद सिंह का एग्रीमेंट निरस्त किया जा चुका है। में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 7 लोग हैं और वो 7ों लोगों के बोर्ड के द्वारा ही कंपनी संचालित होती है। प्रमोद सिंह से 31 मई 2016 को जो एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने एग्रीमेंट का अनुपालन न करते हुए एग्रीमेंट के 2 महीने पहले, जो हम लोगों को अब जाके पता चला है, 2 महीने पहले फर्जी सिग्नेचर बना के हमारे एक डायरेक्टर का, उसके डीन डिस्टर्ब का प्रयोग करके, और 28 मार्च 2016 को ही डायरेक्टर बन गए थे। जो हम लोग जब वापस हॉस्पिटल में आए हैं और कंपनी के जब सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखना शुरू किया है, तो उसमें उनका डायरेक्टर का नाम शो कर रहा था। तो हम लोगों ने पता किया, आखिर डायरेक्ट ROC से जब पेपर निकलवाया गया तो पता चला 31 मार्च को प्रमोद सिंह हमारे साथ अनुबंध करते हैं, जिस अनुबंध में साफ साफ लिखा हुआ है कि वही इन शर्तों का पालन करेंगे तो उनको डायरेक्टर बनाया जाएगा और 50% का शेयर दिया जाएगा। लेकिन जब कंपनी का कागज निकलवाया गया तो 28 मार्च 2016 को एग्रीमेंट के 2 महीने पहले ही डायरेक्टर बन चुके थे। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कंपनी के रिकॉर्ड में। इस पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम इसकी जांच करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी प्रतिलिपि भी इसके साथ संलग्न है। हॉस्पिटल पनेशिया होप पनेशिया हॉस्पिटल है, मैं उसका 50% का शेयर होल्डर हूँ और डायरेक्टर हूँ, ठीक है। उसके चलते जो है 2 साल पहले मैंने इसकी हिस्सेदारी खरीदी थी, जब बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल बंद पड़ा था तब मैं इसमें आया था और मैंने इसको हॉस्पिटल को बनाया
अब इस समय जब हॉस्पिटल जब चलने लगा है, इन लोगों के मन में बेईमाना आया और ये लोग ज़बरदस्ती 18 तारीख को हॉस्पिटल में घुस गए, कब्जा किया है। 40 से 50 लोगों के साथ ही हॉस्पिटल में घुसे थे, जिसके एवज में मैंने इनको जो है थाना अध्यक्ष को एक वो दिया था कि एक एप्लीकेशन दी थी जिसके विरुद्ध में इन्होंने कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया। उसके बाद जो है मैं सब अधिकारियों से मिला, जहाँ जहाँ मैं गया कहीं संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला, कहीं नहीं मिला। तो उसके बाद जो है SSP महोदय ने मुझे कहा कि आप थाना अध्यक्ष साहब के पास जाइए और वो दूसरे पक्ष को बुला के भी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। तो उनकी तरफ से 3 लोग गए थे, हम 2 लोग गए थे, हम लोगों ने बातचीत की, बातचीत का कोई सही निष्कर्ष नहीं निकला। तो थाना अध्यक्ष ने 24 घंटे की और मोहलत दी, 24 घंटे में आप सही से जवाब दीजिए, जिसका जवाब आज तक इन लोगों ने दिया नहीं है। ये 5 तारीख की घटना है, 8:30 बजे तक हम वहीं पर थे। जब वहाँ से निकले तो हम अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को खाना खाने के लिए होटल मानस स्टेशन रोड पर गए थे, जहाँ पर कुछ लोग जो है 4-5-6 लोग के साथ में आए और हमारे बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें एक आदमी की शिनाख्त हुई, वो थे अशोक कोई, अशोक सिंह या सब अशोक कुमार कोई हैं। तो उनका कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, उन लोगों ने हमारे बारे में जानकारी हासिल की। जब उन्हें वहाँ नहीं मिले तो उन्होंने हमारे बाहर निकल कर हमारी गाड़ी तोड़ी, वो सफ़ेद इनोवा से वो लोग आए थे, गाड़ी तोड़ कर वो लोग वहाँ से चले गए। मेरे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब लोगों ने साइन करके मुझे पूरा दिया है, पेपर दिया है, जो पेपर मेरे पास अभी भी है, और मैं पूरा उस सारे ब्यौरे को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो कार्रवाई मेरे खिलाफ़ होगी, अगर वो गलत हैं तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ़ होनी चाहिए। जो हमले की बात कर रहे हैं उसने कहा कि थाने से विवेचना हुआ, हम लोगों को सख्त जी जो हमले की बात कर रहे हैं कि उन लोग हमला कराया था गाड़ी, उन्होंने कहा कि उस पर जो कैंट थाने ने जो विवेचना किया है उसमें मामला साफ आया है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, नहीं पूछा। हम कैसे मान सकते हैं, तो वो तो थाने में बैठ के हमें धमकी दे रहे थे, विजय पांडे जी तो थाने में बैठ के हमें धमकी दे रहे थे, और उनके लोगों ने खुद वहाँ पे हमसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, उसमें तो वो लोग स्टेशन वाले लोग भी गवाह हैं, बहुत सारे लोग थे, कि जो है अब विजय पांडे और सबको उनको जो परेशान करने की कोशिश न करने तो मार दिया जाएगा। हम उसके संस्था में थे, आज नहीं है, क्योंकि हर 5 साल पर चेयरमैनशिप का इलेक्शन होता है, चेयरमैनशिप के इलेक्शन में इस समय हम नहीं हैं, हम वहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं, और दूसरे चेयरमैन जो हैं लखनऊ के हैं, मिस्टर अभिजीत दत्त, पूरा बोर्ड चेंज हो चुका है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है।